नमस्कार, मैं मनीषा तिवारी, आप देख रहे हैं चिम न्यूज। आज के दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। नई दिल्ली में बड़ी नई मुसीबत, कोरोना कम हुआ तो डेंगू का पॉजिटिव रेट बढ़ा 15%। नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के बड़े अस्पताल हिंदू राव में मलेरिया से एक मरीज की मौत हो चुकी है। अस्पताल में मलेरिया के 66 और डेंगू के 473 कंफर्म केस मिले। तृणमूल कांग्रेस की नेता और सांसद सुष्मिता देव पर त्रिपुरा में हुआ हमला, हमले के साथ ही कार में भी की गई तोड़फोड़। हमले में तृणमूल कांग्रेस सांसद घायल हो गई है। सांसद ने हमले के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ होने का लगाया आरोप। बिहार में सियासी घमासान हुई तेज, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने विरोधी खेमे के नेताओं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किया तीखा हमला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, दूर दूर तक नहीं दिखता कोई विकास। दिल्ली के रोहिणी जिले की साइबर सेल ने रोहिणी सेक्टर 24 से 11 क्विंटल से अधिक अवैध पटाखे के साथ पुलिस ने गोदाम के मालिक 44 साल के आरोपी अमित मित्तल को लिया हिरासत में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली में किसी तरह के पटाखे बेचने पर पाबंदी है। इसी को ध्यान में रखते हुए अवैध पटाखे बेचने वालों पर रखी जा रही है निगरानी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी की गुजरात इकाई के नए अध्यक्ष के चयन, राज्य में पार्टी एवं संगठन की स्थिति और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में प्रदेश से जुड़े पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ किया मंथन। जल्द हो सकती है पीसीसी अध्यक्ष की नियुक्ति। पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच रेलवे कोल घोटाला मामले को लेकर चल रही तानतनी मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। अपने हलफनामे में केंद्र ने बंगाल सरकार पर आरोपियों को बचाने के प्रयास का लगाया आरोप। केंद्र ने कहा कि बंगाल सरकार का सूट कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के बराबर है, लिहाजा इसे खारिज किया जाना चाहिए। एनसीपी नेता नवाब मलिक पर राम कदम का हमला, बीजेपी नेता राम कदम ने एनसीपी नेता नवाब मलिक पर निशाना साधते हुए कहा, क्या ड्रग्स माफिया से भी महाराष्ट्र सरकार वसूलती है हफ्ता? खुद तो महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई नहीं करती और एनसीपी के ऊपर आरोप लगाती, आखिर महाराष्ट्र सरकार चाहती क्या? मुंबई में ही रहेगा बॉलीवुड उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी सख्त चेतावनी। दक्षिण मुंबई के लालबाग इलाके में 60 मंजिला इमारत के 19वीं मंजिल पर लगी भीषण आग, घटना मुंबई के करी रोड इलाके माधव पल्लव मार्ग की है। करी रोड इलाके के अविघ्न पार्क नामक इमारत में लगी है। बिल्डिंग की 19वीं मंजिल पर लगी आग से बचने के लिए लोग बालकनी में लटके आए नजर। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल बोले, अविघ्न पार्क आग हादसे में दोषियों पर होगी कार्रवाई। आर्यन खान ड्रग्स मामले को लेकर एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर निशाना साधने वाले एनसीपी नेता नवाब मलिक को धमकी भरे आ रहे हैं कॉल। नवाब मलिक ने दावा किया कि उन्हें एक व्यक्ति का फोन आया जिसने नवाब मलिक को चेतावनी दी है कि वे समीर वानखेड़े को लेकर ऐसी बातें ना करें। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े का नाम लेने पर मुझे मिल रही है धमकियां, उन्होंने इससे लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। आज के दिन भर की 10 बड़ी खबरें। इसी तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे।